Hey bro, say no more. Love thy wife, Nita, Senorita. Ashika Bibika. Oh really? Ashika Bibika. Don't tell me. Ashika Bibika. You're crazy. Ashika Bibika. Let me tell you a story that's so funny. Honey, you laugh, showing your fun. Yes. Every time the curtains open, new plot, a new emotion. You scream, you shout, yeah. Giggle, giggle, all out. You're so, so slippery. You cry, you're humorous. Yeah. Ashika Bibika. Ashika Bibika. Ashika, Ashika, Ashika. Ashika Bibika. दोस्ती कर लेते हो? अपने बराबरी वाले लोगों के साथ दोस्ती करो, ना कि एक नर्स के साथ। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो दोबारा मेरे सामने मत पड़ना। I'm here. Break your marriage. No! तो बड़ा धोखा। मन करता है उसे गोली मार दूं। यहां रखते। बैठ जा। आप नहीं जानते रोमा, उसने मैं सचमुच नहीं जानती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि शायद ये वही शेखर है जिससे तू प्यार करती थी, जिसकी माँ से मिलाने तो हम सबको लेकर जा रही थी, और शायद ये वही शेखर है जिसके लिए तू अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी, है ना? मैं बिल्कुल पागल थी बुआ। मुझे सबने समझाने की कोशिश की, पापा ने, गोपाल ने, और मैंने तो यहाँ तक कि उसकी नकली माँ को भी पकड़ लिया था, पर फिर भी मैं उसकी सच्चाई नहीं पकड़ पाई बुआ। क्यों क्यों? ये तेरा कसूर नहीं है बेटा, ये तेरी उम्र का कसूर है। जवानी का जोश शायद इसे ही कहते हैं। प्यार अंधा होता है, उसे अपने सिवाय हर कोई अपने दुश्मन नजर आते हैं। न समाज की चिंता, न जमाने की परवाह, कुछ नहीं नजर आता उसे। आप मेरे को नहीं, मैं तुझे ताना नहीं दे रही हूं बेटा, मैं तो सिर्फ सच्चाई का आईना तेरे सामने रखने की कोशिश कर रही हूं। कोई इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है बुआ? पता है उसने मुझसे क्या कहा? कहता है कि वो माँ को लेकर हमारे घर आ रहा था पापा से मिलाने, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी माँ मर गई और वो व्हीलचेयर पर आ गया, और फिर जानबूझकर वो मुझसे दूर चला गया ताकि मैं किसी और से शादी कर लूं, और फिर अचानक मुझे यहाँ मिल गया, और मैंने आंखें मूंद कर उसके हर झूठ पर विश्वास किया। मेरे लिए तो वो और भी महान बन गया ना, झूठ पर झूठ पर झूठ। मैं समझ सकती हूँ तुझे कितना दुख हो रहा होगा, लेकिन ये तो अच्छा हुआ ना कि समय रहते ही हमें सब कुछ पता चल गया, नहीं तो पता नहीं क्या का क्या हो जाता। वैसे तूने एक समझदारी की बात की कि ये सच्चाई किसी पर जाहिर नहीं होने दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी मैं उसे। नीता, ये तू क्या कर रही है? क्या होगा उसे मारने से? आज जो सच्चाई सिर्फ तुझे और मुझे पता है, कल सारी दुनिया के सामने जाहिर हो जाएगी, और वो टीटी, वो तो इसी मौके की तलाश में है ना, उसे तो सबूत मिल जाएगा। तू मुंबई जाना चाहती है ना? हम कल ही मुंबई चलेंगे और बाकी की बातें वहां जाकर सोचेंगे। चल अब रोना धोना बंद कर और चलने की तैयारी कर। चल
क्या हो गया था मुझे? मैं इतनी बड़ी गलती कर भी कैसे सकता हूं? रूम से बाहर चला गया बिना व्हील चेयर के। अपनी जरा सी जल्दबाजी की वजह से मैंने पूरा बनाया खेल बिगाड़ लिया। मैं ये कैसे भूल गया कि भूत ने दिन में नहीं आते, दिन में नहीं आते। ये खून, ये तो वहम नहीं हो सकता, ये तो वहम नहीं हो सकता। इसका मतलब जो कुछ भी यहां हुआ वो सब सच था। शेखर, खुद की हुई गलती की सजा तुम इन बेजान चीजों को क्यों दे रहे हो? मैं पूछती हूँ, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी शेखर कि तुम्हें बाहर भागते हुए जाना पड़ा? देखो शेखर, मैं जानती हूँ कि तुम इतने बेवकूफ नहीं हो, तो आखिर हुआ क्या था? वही तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगी। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। मैं तो यहां अकेला बैठा नीता का इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था कि तुम्हारे जाने के बाद वो यहां जरूर आएगी, लेकिन मैं गलत था, वो नहीं आई। और फिर अचानक इस कमरे में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इस कमरे का सामान अपने आप उड़ने लग गया। मुझे लगा कोई अनजानी शक्ति इस कमरे में आ गई जो मुझे मार देना चाहती है, क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखो कितनी जोर से मेरे सर पर मारा है। अगर मैं नहीं भागता तो मैं जिंदा नहीं बचता। और हाँ, मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है। आज सुबह मेरा व्हीलचेयर अपने आप चलने लग गया और फिर लगा मानो किसी ने मुझे धक्का दे दिया, मैं गिर गया, लेकिन फिर जल्दी से उठकर बैठ गया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि किसी ने देखा नहीं, और मुझे लगा कि वो मेरा वहम था। ये तुम्हारा वहम नहीं, सच है। गोपाल ने तुम्हें व्हीलचेयर पर बैठते हुए देख लिया था। गोपाल ने तुम्हें बताया? जाहिर सी बात है, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा था। अब ये बताओ आगे क्या करना है? हमें ये होटल छोड़ना पड़ेगा। मतलब वापस मुंबई? तो क्या मैं ये समझूं कि शेखर हार गया? मैं इस वक्त तुमसे बहस नहीं करना चाहता। ऐसी सिचुएशंस मैंने कई बार फेस की हैं। और सुनो, शेखर कभी डर कर नहीं भागता। हर गेम में हार और जीत होती रहती है, लेकिन तुम देखना शेखर किस तरह इस हार को अपनी जीत में बदल देगा। तुम देखना। चल अब शांत हो जा, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते सब कुछ पता लग गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे अब ये चक्कर काटना बंद कर, बैठ जा, हम जा रहे हैं ना। वो तो जाना ही पड़ेगा, वरना अब तक तो वो डिटेक्टिव टीटी को सारी न्यूज दे चुका होगा और शेखर के पीछे भी पड़ गया होगा, क्योंकि शादी के पहले मैंने इसी को हायर किया था शेखर को ढूंढने के लिए। क्या? और ये बात तो अब हमें बता रही है?
पहले नहीं बता सकती थी? अरे पता होता तो कुछ कर तो सकते थे ना। ए वकूफ लड़की, मुझे पता है कि मैं तेरी माँ नहीं बन सकती, लेकिन भाभी के गुजर जाने के बाद मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि तुझे माँ की कमी महसूस ना होने दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बुआ, I'm sorry बुआ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, और वैसे भी पापा की वसीयत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में जैसा जैसा आता गया मैं वैसा वैसा करती गई। I'm sorry। चल छोड़ा, जो हो गया सो हो गया, जो अपना सामान चेक कर, हम जा रहे हैं। जा। अरे हम लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इस होटल से मैं भी बहुत बोर हो गया था, और प्रॉब्लम्स भी कितनी है ना यहाँ पे, वो डिटेक्टिव, फिर वो शेखर। गोपाल, हम दूसरे होटल नहीं, घर जा रहे हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारी माँ का फोन आया था कमला के पास, वो कह रही थी कि वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है इसीलिए। सच, मैं भी, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। लेकिन नीता जी के कारण मैं कुछ बोल नहीं पाया। क्यों, मैंने क्या मना किया था? नहीं, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था ना, और आपने कभी इस बारे में मुझसे कभी कहा नहीं। वो सब छोड़ो ना, तुम जाओ, जाने की तैयारी करो, जाओ पैकिंग करो अपनी। हाँ, अभी जा रहे हैं? नहीं, अभी निकलेंगे, रास्ते में रात हो जाएगी, इसलिए कल सुबह जल्दी निकलेंगे। तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी दोस्त से मिल लेता हूँ आखिरी बार। हाँ? ये किस दोस्त की बात कर रहा है, वो लड़की? नहीं, कोई बांसुरी वाला दोस्त है इसका, गांव का। हे भगवान, नीता, गोपाल, व्हीलचेयर वाला, बर्फ के गोले वाले, ये रही सारी रिपोर्ट पूरी जानकारी के साथ। ये मेरा साइन, धर्म कुमार। आगे सारी रिपोर्ट उसके साथ मैं पीटी को भेज दूंगा। प्रूफ कौन गया? अबे धर्म, कैमरे से तो निकाल उसे। ये रहा आज के जमाने का कलरफुल डिजिटल प्रूफ। ये तैमूल को भेजूंगा पूरी रिपोर्ट के साथ, वो देखेगा मेरा काम बन जाएगा। ये रही मेरी इतने दिनों की मेहनत। एड्रेस तो लिखे इसका, तैमूल B60। क्या हो गया तुझे? अबे तू खुद जा रहा है उसको देने के लिए, एड्रेस लिखने की क्या जरूरत है? बेवकूफ इंसान। ला 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 ना ना, डर डर डर। यहाँ का सारा काम हो गया,
सब लोग चले गए, मैं भी चलता हूं वापस आने के लिए। डर 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 कुछ रहा तो नहीं, फोन रख लूं क्या? नहीं नहीं गंदी बात। अच्छा हुआ तुम सब आ गए, मैं तो बहुत बोर हो रही थी। एक तो ये सूना घर और ऊपर से वो टीटी। तो बोर किससे हो रही? सूने घर से या टीटी से? घर से नेचुरली। अब टीटी से तो तू बोर हो नहीं सकती। देख तूने मुझे टीटी पर नजर रखने का काम दिया था, इसीलिए मैं कर रही थी, वरना मैं भी तो यही कह रही हूँ। पर एक बात बता, अगर तू काम कर रही थी तो तू बोर कैसे होगी? अच्छा छोड़। अरे नीता तेरा हनीमून कैसा रहा? और वो डिटेक्टिव ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? तू उससे क्या पूछ रही है? डिटेक्टिव को तो मैं हैंडल कर रही थी ना, मुझसे पूछ मैं बताती। अरे मैंने उस डिटेक्टिव को ऐसा हैंडल किया कि वो 7 जन्मों तक जासूसी करना भूल जाएगा। मुझे पता है मैंने तो उसे एक भी फोटो नहीं खींचने दी, ना ही उसे कोई सबूत लेने दिया। अच्छा मैं भी ऐसा ही करती, वैसे तूने किया मैंने किया क्या फर्क पड़ता है ना? अच्छा सुन, वैसे तूने कहा था कि हम 2-3 दिन में आएंगे, ये अचानक कैसे आ गए? वो मैं बताता हूँ, उस शेखर की वजह से। शेखर? कौन शेखर? मैं बताती हूँ ना। वो बता रहा है ना, अजीब चौक पाल रखा है उसने। इतना अच्छा खासा हेल्दी आदमी, चल फिर सकता है लेकिन व्हीलचेयर पर बैठकर घूमता था। अरे ये तो बड़ी नई सी बात सुनी है, जब वो चल सकता है तो व्हीलचेयर पर क्यों है? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या हुआ कि सुबह सुबह भूकंप आया और मैं अचानक घूम गया, और मेरे सामने एक व्हीलचेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था, वो अचानक गिर गया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, अगर वो खुद ही उठ गया, व्हीलचेयर सीधी की, उस पर बैठ गया और चला गया। मैंने नीता जी और बुआ जी से यही बात कही लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। ही? फिर मैं बताती हूँ ना। वो बता रहे हैं ना। सुन फिर? सच कहीं छिपता है? जब हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो वो सबके सामने चीखता चिल्लाता हुआ आ गया। बस गोपाल बहुत हो गया। इसे क्या हुआ? मुंह नहीं बंद कर सकती? फिर क्या हुआ? अभी सुन स्टोरी। फिर आशिक बीवी क्या?
कर रही होगी? रो रही है। वो रो रही है तो शांति से बैठी है। तो क्या करूं? अरे कम से कम हम उसके साथ जाके रो तो सकते हैं, हम उसकी सगी बुआ है। कोई जरूरत नहीं, उसे अकेले बैठ के रो लेने दे, उसका जी हल्का हो। अरे बात बता, वो रो क्यों रही है? अभी उसने बताया ना शेखर की कार। शेखर, लेकिन विमला वो शेखर वैसे तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? अभी तो इतने दिनों बाद आई है। अरे नीता को चुप कराने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, तू जा उसे चुप करा क्या, फिर आकर मुझे बताना वो रो क्यों रही थी। हाँ ओके। अरे डफर जल्दी बताना वो रो क्यों रही थी। तो तुम्हें अपनी बहू बनाने का सपना अपने साथ ही लेकर चली गई। अभी उस सदमे से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि डॉक्टर ने बताया अब मैं चल भी नहीं सकता, और कब तक नहीं चल सकता शायद ये भी नहीं पता। तुम अब भी भावनाओं में बह रही हो। मैं तुमसे दूर कभी था ही नहीं। मैं तो तुमसे उस दिन दूर हुआ जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है, और मैं निश्चिंत होकर सब कुछ भूलने के लिए यहां आ गया। अरे नीता अब बस भी कर, कितना रोएगी। नीता बुआ, मैं जानती हूं आप यहां क्यों आई हैं, मगर मैं क्या करूं? मैं बस, तू जो कह रही है सही कह रही है, और पहली बार मैं तुझे रोकने नहीं आई हूं, तुझे ये कहने आई हूं कि तू रो ले, रोना तेरे लिए अच्छा है, आंसुओं के साथ तेरा दर्द भी बह जाएगा, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, रो ले। कमजोर नहीं थी। मैं जानती हूं इंसान कमजोर नहीं होता, वक्त और हालात उसे कमजोर बना देते हैं। ये तो अच्छा हुआ ना कि समय रहते गोपाल ने शेखर की सारी असलियत पता लगा ली। ये तो उसका तो कितना बड़ा प्लान था, और ये प्लान उसने अचानक नहीं बनाया था, पूरी सच्चाई पता लगाई थी ताकि वो तुझे बेवकूफ बना सके, तेरी सिंपैथी हासिल कर सके। इतनी बड़ी बेवकूफ थी, आंखें मूंद कर उसकी सारी बातें मानती चली गई, और तो और उस पर भरोसा करके मैंने उसे सारी बातें बता दी। क्या? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली।